रेगिस्तान की धरती पर बारिश का ये विकराल रूप है। जोधपुर की गलियों में मानो नदी बह रही है। राजस्थान के जोधपुर में गुरुवार की दोपहर को करीब 1.5 इंच बारिश हुई और मॉनसून की शुरुआत में हुई इस बारिश ने जोधपुर शहर को समंदर बना दिया। शहर की छोटी छोटी गलियों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। कल का पानी अभी पूरा निकला भी नहीं कि आज फिर से बारिश ने शहर को अपने आगोश में ले लिया। ये आज दोपहर की तस्वीर है और रोड पर सिर्फ पानी ही पानी है। देख सकते हैं पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें, आप सड़कों की बात करें तो आप सड़कें को देख सकते हैं, जैसे एक नदी सा सैलाब चल रहा है। पानी इतना भर चुका है कि सड़क पर एक जैसा नजर आ रहा है, जैसे कि पानी इतना भरा हुआ है। कई लोग यहाँ पे आए हो बाहर से। हाँ, तो आप कहाँ से आए हो और किस तरह की समस्या से आए हैं? तो वहाँ मयूराक्षी इंस्टीट्यूट जाके आए हम। वहाँ पे चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे भरे हैं, यहाँ बहुत समस्या आई है। यहाँ नॉर्मली अगर पास में से वाहन गुजर रहा है उससे ही पानी भर रहा है। मेरे जूते पूरे गीले हो रखे हैं। इधर कोई पानी निकासी के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं कर रखी है। ये मरीज को लेकर जा रही है एम्बुलेंस है जो यहाँ से निकली है, और ये देख सकिए गाड़ी कितनी डूबी हुई आ रही है पानी में, और यहाँ पर कोई पैदल यात्री भी जा नहीं सकता। और ये सबसे अहम जगह है जोधपुर का पावटा सर्किल, जहाँ पर इस तरह से पानी की जो जल भराव है और लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। पीछे कोर्ट है और उसी के साथ ही कई सरकारी कार्यालय भी है। जी आप कहाँ से आए हो बताओ, किस तरह से पार करके आए नदी? अरे बहुत दूर आए। अरे नदी तो साहब बहुत दूर ही है। और जो फुटपाथ पे चलते हैं तो लाइट का पोल है, जगह जगह करंट आने का मतलब संभावना है। और बाकी देखो ये मतलब 2-2 फुट पानी चढ़ा हुआ है।